डेमन हंटर का एपिसोड 7 का पार्ट 2 शुरू होता है और ये जो लास्ट पार्ट होने वाला है तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो मैंग चुआन था वो फाइट कर रहा था और इसका फाइट के दौरान हमें जो उस बच्चे का, उस फैटी बच्चे का आवाज के द्वारा बताया जाता है रूल एंड रेगुलेशन, जहाँ पर वो बंदा बताता है कि देखो तुम जो है अभी युवांग पैलेस में हो और तुम लोग को यहाँ पर लैंड, वाटर, स्काई और हर चीज मिल जाएगा और यहाँ पर जो है 4 रियलम पाया जाता है जिसमें पेरेंट्स एंड देयर टेरिटरीज, हेवेंस एंड देयर टेरिटरीज जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है और जो मॉन्स्टर है वो सबसे ज़्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम यहाँ पर जितना मन चाहे उतना किल कर सकते हो, जो चाहे जिसको मार सकते हो और तुम लोग जिस मॉन्स्टर को मारोगे उससे तुमको एक डेमन पिन मिलेगा और तुम जितना हाई लेवल के डेमन को मारोगे तो उस डेमन पिन का लेवल उतना ही हाई होगा और तुम उस डेमन पिन को सप्लाई हाउस में जाके उसको सबमिट कर सकते हो और तुम जैसे जैसे उसको सबमिट करते जाओगे तुम्हारा जो पोजिशन है वो ओवरऑल में वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ऑफिशियली बिगन किया जाता है इस डेमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट को और तभी हम देखते हैं जो क्यूयू थी वो भी जो है शानदार तरीका से, एकदम बेहतरीन तरीका से फाइट कर रही थी उन सारे डेमन से बो एंड एरो का यूज करके और उसका रैंकिंग भी बढ़ रहा था। और फिर तभी हम उस सीनियर को देखते हैं जहाँ पर वो भी जो है फायर एंड आइस एनर्जी का यूज करके उन सारे डेमन्स को मार रहा था। और एक बात मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि यहाँ पर डेमन्स को मारने से रैंक नहीं बढ़ेगा बल्कि उससे जो डेमन पिल मिलेगा उसको जो सबमिट करना पड़ेगा उस सप्लाई हाउस में, तब जाकर उससे जो ऑफिशियली रैंक बढ़ेगा। आप कितना डेमन मारते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना पिल सबमिट करते हैं उससे फर्क पड़ता है। और फिर तभी ओनी मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है और मेरे ख्याल से इन्होंने जो है एक बंदे को मारा था। और फिर तभी हम उसी मिस्टीरियस वाइट हेयरेड बॉय को देखते हैं और उसका रैंक सेकेंड हो जाता है। फिर ये सब चीज़ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन। और फिर तभी और हमें फर्स्ट पोजिशन का दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मी युआन जी था, वो फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर किया हुआ था। और फिर हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही पील लेके आया हुआ था उस जगह सबमिट करने के लिए। इतना सारा डेमन पील को देखकर वहाँ का जो मास्टर था वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मैंग चुआन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मैंग चुआन भी बहुत ज़्यादा डेमन्स को मार के एक थैली में उन सारे का पील लेके कहीं जा रहा था। और फिर वो बोलता है कि मैंने सुना था कि यह वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ही छोटा है लेकिन आज मेरा आँख सही में खुल गया है। और हम तभी देखते हैं कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर का झुंड आ रहा था। तो इस चीज़ का पता जो मैंग चुआन को भी चल जाता है और वो तैयार हो जाता है फाइट के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर जो एक लो लेवल के डेमन सोल्जर थे वो सब बहुत ज़्यादा स्पीड से उस पर अटैक करने लगते हैं, आने लगते हैं उसके पास। देखकर मैंग चुआन उसके सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीफ का सेकेंड फॉर्म जो कि विंडी सॉन्ग था उसको परफॉर्म करता है और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्नेडो फॉर्म हो जाता है जिससे वो सारे डेमन सोल्जर जो है वहीं पर मरने लगते हैं, आपको उसको बहुत ज़्यादा दूर फेंकाने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि मैंग चुआन उस टर्नेडो से बाहर आ जाता है जहाँ पर कुछ देर बाद वो सारे डेमन जो है वहाँ पर मर के गिरने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर सेकेंड वेव उन्हीं सारे डेमन्स का आ जाता है। देखकर मैंग चुआन बोलता है कि ठीक है आ जाओ और फिर वो जो उन सब पर अटैक करने लगता है अपना स्पीड की मदद से और ये स्पीड उसको जो उसको सीक्रेट टेक्निक से मिला है। ठीक है, उन सारे डेमन्स को मारने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर थर्ड वेव भी आ रहा है तो बोलता कि अब मज़ा आएगा। और फिर उन लोग का फाइट शुरू हो जाता है जहाँ पर वो एक डेमन को मार कर दूसरे डेमन को पकड़ लेता है जिससे वो डेमन बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई में चला जाता है। तभी मैंग चुआन उस डेमन को भी मार देता है उसके ऊपर उछल के। और फिर वो जब नीचे आने लगता है तो हम देखते हैं कि नीचे से सारे डेमन्स उस पर अटैक कर रहे थे और वो ऊपर से आ रहा था। और फिर तभी हमें एक आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डेमन्स नीचे थे और वो ऊपर से उसकी तरफ आ रहा था और वो उनके पास पहुँचता है। तभी वो जो अपना ऑटम लिप सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करता है और उन सारे डेमन्स को मार के नीचे आ जाता है। और उन सारे डेमन्स को मरा देख कर वो सोचता है कि इतना ज़्यादा डेमन पिन मेरे ख्याल से काफ़ी होगा मेरा फाउंडेशन ऑफ गॉड को बिल्ड करने के लिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाई गुआन अपने सर्वेंट लोग के साथ वहाँ पर आया हुआ था उन सारे डेमन पिन को जमा करने के लिए, जहाँ पर वो जो अपने सारे सर्वेंट्स को
उन सारे डेमन स्पिरिट को देने के लिए बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि उसने भी बहुत सारे डेमन स्पिरिट्स को कलेक्ट कर लिया था। ये देख कर वो मास्टर भी हैरान होता है और फिर तभी हमें बताया जाता है कि बाइकवान का रैंक 4 हो चुका है। तो ये सब चीज़ देख कर बाई फैमिली का पैट्रक बाइसिन वो फैट ही बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे नेफ्यू के पास भी थोड़ा मोड़ा टैलेंट मौजूद है। लेकिन गौर करने की बात यह थी कि जो मैन जुआन था वो 0 पर था, यस 0, उसने एक भी पिल जमा नहीं किया था। और फिर तभी ये सब चीज देख कर डोंग मिंग यानी कि मैन जुआन का फादर मास्टर मैंग से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मैंग जुआन का रैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो मास्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता, देखो इंतजार करो क्या होता है। और हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि अभी भी सोया हुआ था। बाइसेन बोलता है उस एल्डर को, मैंग जुआन का रैंक तो नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका लक बहुत ज़्यादा ही खराब है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए कॉफिन का इंतजाम करूं। और बोलता है कि नहीं 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 एक सेकंड, अगर वो डेमन से मारा गया होगा, मॉन्स्टर से, तो मेरे ख्याल से उसे कॉफिन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर तभी हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, ठीक है।